ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करनी है। देखिए, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, अकॉर्डिंग टू ए बी ओ सिस्टम। आपसे जो मैंने बात करनी है, मल्टीपल एलील्स की बात लास्ट टाइम कर ली थी, अब मैं मजीद बात करने जा रहा हूँ आपसे। देखिए, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। उस हवाले से आपको ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये सारे ब्लड आपको मिलते हैं। तो इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बेटा आपसे बात करनी है। ठीक है, इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपसे बात करनी है कि किसको कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसको जो है वो कौन सा ब्लड जो है वो चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में आपसे बात की। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाले के रेड ब्लड सेल्स हैं। इनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, साथ ही साथ आपको आरएच एंटीजन मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको आरएच एंटीजन मिलेगा। आरएच एंटीजन को हम कैपिटल टी एंटीजन का नाम भी देते हैं। ठीक है, आरएच एंटीजन को हम कैपिटल डी एंटीजन का नाम भी देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एबीओ सिस्टम की, तो एबीओ सिस्टम के एंटीजन्स कौन से हैं? एबीओ सिस्टम के एंटीजन्स आपको मिलेंगे एंटीजन ए। ठीक है, एबीओ सिस्टम के जो आपको एंटीजन्स यहां पे मिलेंगे वो आपको मिलेंगे एंटीजन्स ए। एबीओ सिस्टम की एंटीबॉडीज कौन सी बन जाएंगी? तो दरअसल बी एंटीबॉडीज इसके अंदर जो है वो बन जाएगी। ठीक है, बी एंटीबॉडीज इसके अंदर बन जाएगी। ये इसके अंदर एक मौजूद है आरएच एंटीजन। थोड़ी सी ये विचार सुन लें, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आरएच सिस्टम से। आरएच स्टैंड्स फॉर रिसेस। रिसेस मंकीज के रेड ब्लड सेल्स में सबसे पहले ये आरएच एंटीजन मिला था। जब इंसानों के रेड ब्लड सेल्स को देखा गया तो इंसानों के रेड ब्लड सेल्स पर भी ये आरएच एंटीजन मिला। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आरएच सिस्टम, रेसस सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम के एंटीजन्स ए पॉजिटिव वाले के पास ए होंगे और एंटीबॉडीज बी एंटीबॉडीज बन जाएंगी। आरएच सिस्टम के हवाले से अगर बात करूं, आरएच सिस्टम के हवाले से बात करूं तो एंटीजन होंगे इसमें आरएच, और एंटीबॉडीज जो होंगी वो नहीं होंगी। यानी एक पंप में या तो आरएच एंटीजन होंगे या एक आरएच एंटीबॉडीज होंगे, दोनों में से कोई चीज एक पंप में एक मौजूद हो। ठीक है,
जब रेड ब्लड सेल की सरफेस पे आरएच एंटीजन मौजूद है तो इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, ठीक है, वरना वो एंटीबॉडीज अगर आरएच एंटीबॉडीज बन जाए तो वो तो अपने आप को मार देंगी ना। चलिए इसके बाद आइए, तो ये मैंने आपको जो बातें लिखी हैं बोर्ड पे, ये तमाम बातें आपके पास ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले के लिए, ठीक है, ये सारी बातें आपके पास हैं ए पॉजिटिव ब्लड वाले के। इसके बाद आइए ए नेगेटिव वाले के बारे में बात करने जा रहा हूं। ब्लड ग्रुप है एबीओ सिस्टम, एंटीजन कौन से होंगे, ये रेड ब्लड सेल में बना रहा हूं नेगेटिव वाले का, ये एंटीजन ए मौजूद है, नेगेटिव का मतलब आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होगी, नेगेटिव का मतलब है कि आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होगी। एंटीजन जो मौजूद होंगे वो ए एंटीजन मिलेंगे आपको, और एंटीबॉडी जो होंगी वो आपको इसके अंदर बी एंटीबॉडीज मिलेंगी, इसके अंदर बी एंटीबॉडीज बन जाएंगी। आरएस सिस्टम के हवाले से बात कर लेते हैं, आरएच सिस्टम के हवाले से आपके पास आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होंगे, आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होंगे, और अगर एंटीबॉडीज के बारे में बात करूं तो एंटीबॉडीज जो बनेंगी वो एंटीबॉडीज कहलाएंगी आरएच एंटीबॉडीज। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी आर एच एंटीबॉडीज। ठीक है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। सोफिया जरा इसको देखकर मुझे बताओ कि मैं ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव दे सकता हूं या ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव दे सकता हूं, ये सोच के बताओ, या दोनों को दे सकते हैं या दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकते, इसकी विधान द्वारा मुझे करो। जी सर, आवाज आ रही है आपको? बेटा आ रही है। जी सर, मेरा ख्याल है हम नहीं दे सकते ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव, क्योंकि जैसे ए पॉजिटिव वाले में एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है, तो अगर हम ए नेगेटिव वाला देंगे तो उसमें आरएच एंटीबॉडीज चली जाएंगी। आप कहना ही चाहती हैं हम दोनों ना ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को दे सकते हैं ना ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, आप ये फरमा रही हैं? जी सर, मेरा ख्याल ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मैं जरा इसकी वजाहत कर देता हूँ सबको, कोई और बता दे रही। सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम सर। मेरे ख्याल से ए पॉजिटिव वाला जो है, हम ए नेगेटिव जो ब्लड है वो ए पॉजिटिव वाले को नहीं दे सकते, और ए पॉजिटिव वाला जो है वो ए नेगेटिव को दे सकता है। अच्छा, मैं आपको म्यूट करके जवाब दे रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि जब हम ए पॉजिटिव वाला ब्लड, आप जरा रेड ब्लड सेल को गौर से देख लें, ए पॉजिटिव के रेड ब्लड सेल कैसे हैं, उस पर आपको
सबसे पहली बात दोनों के अंदर ए ए कॉमन है, तो आप ए का तो चक्कर ही खत्म कर दें कि वो ए ए को दिया जा सके। अब मसला है पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकती है। सबसे पहले ये फैसला इस तरह से होगा कि जब हमने ए पॉजिटिव जिसकी सरफेस पे आर एच एंटीजन है, जब हमने ये वाला खून जो है ए नेगेटिव वाले में बेटा डाला, तो होगा क्या कि वो ए नेगेटिव वाला उस रेड ब्लड सेल पे जो आर एच एंटीजन आए हैं जो कि उसके पास पहले कभी नहीं थी, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाएगा और उसको मार देगा। क्यों? उसके पास वो वाले एंटीजन पहले कभी थे ही नहीं, ठीक है। जब वो अपनी रेड ब्लड सेल की सरफेस पे वो वाले आर एच एंटीजन लेके जाएगा, ठीक है, और वो पहले कभी उसके पास नहीं है, तो वो तो एबिलिटी रखता है कि वो एंटीबॉडीज बना सके। तो गौर से सुन लीजिए, आप ए पॉजिटिव ब्लड ए नेगेटिव को नहीं दे सकते। अब आ जाएं ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकते हैं कि नहीं। अब जरा ए नेगेटिव की रेड ब्लड सेल्स को देखिए गौर से। ए नेगेटिव की रेड ब्लड सेल की सरफेस पे आर एच एंटीजन मौजूद नहीं है, ठीक है, उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे आर एच एंटीजन मौजूद नहीं है। जब हमने ये वाले रेड ब्लड सेल्स जब इसकी सरफेस पे एंटीजन नहीं है, जब हमने ये इसमें डाले ए पॉजिटिव में डाले, तो देखें ये तो एंटीबॉडीज आर एच एंटीबॉडीज बना ही नहीं सकता, ये तो आर एच एंटीबॉडीज बना ही नहीं सकता। तो हम ए नेगेटिव ब्लड ए पॉजिटिव को दे सकते हैं। अब यहां पे सवाल उठता है कि जिसकी वजह से सूफिया ने थोड़ा सा कंफ्यूज हुई है, उन्होंने देखा कि सर नीचे लिखा हुआ है आर एच एंटीबॉडीज, जब हम किसी को खून देंगे तो वो एंटीबॉडी की उस पर चली जाएंगे, तो शायद इसलिए उन्होंने आंसर जो है वो अपना डिफरेंट किया है। तो बेटा और से सुन लें कि देखें, मैंने आपसे जब भी एंटीबॉडीज की बात करूंगा या पीछे की है, मैंने एक लफ्ज कहा है कि एंटीबॉडीज बन जाएंगी। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि एंटीबॉडीज पहले से बनी बनाई मौजूद होंगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा है एंटीबॉडीज जो है वो बन जाएंगी। तो जब जिस वक्त मैं आपसे ये कहूं कि मैं ए नेगेटिव ए पॉजिटिव में डाल रहा हूं, तो ध्यान में रखें कि मैं एंटीबॉडीज नहीं डाल रहा हूं। एंटीबॉडीज बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स कहां बनते हैं? लिम्फ नोड्स में बनते हैं। जब आप खून डालते हैं, जब आप खून चढ़ाते हैं किसी एक इंसान का दूसरे इंसान में, तो उसके लिम्फ नोड्स उसके अपने पास ही रहते हैं, वो एंटीबॉडीज उसमें वो लिम्फ नोड्स आप ट्रांसमिट नहीं करते। तो इस हवाले से आप ए नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, ठीक है। चले, अब किसी के अंदर कोई जहन में कोई एम्बिगिटी है तो बता दे, मैं इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। मैं अभी पूरा कंप्लीट करूंगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, बारी बारी सारा बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, बोर्ड चूंकि वैसे स्क्रीन में छोटा नजर आता है तो मुझे शायद मिटाना पड़े, आप ए वाला तो नोट करें सारे।
ठीक है, इसके बाद आई है, और जैसे जैसे मैं आगे आपको बताता जाऊंगा ये चीज आपको क्लियर होती जाएगी। अब सुन लीजिए जरा बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव के बारे में बेटा। ठीक है, व्हाट इज सुनिएगा, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, एंटीजन जो आपको मिलेंगे रेड ब्लड सेल की सरफेस पे वो बी एंटीजन मिलेंगे, एंटीबॉडी जो बन जाएंगी वो ए एंटीबॉडीज बन जाएंगी। आरएच सिस्टम के जो एंटीजन आपको मिलेंगे वो आपको मिलेगा आरएच एंटीजन, आरएच एंटीबॉडीज उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिमिलरली बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अंदर एबीओ सिस्टम के जो एंटीजन आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे बी एंटीजन, एंटीबॉडीज जो बन जाएंगी वो आपको मिलेंगी ए एंटीबॉडीज। आरएस सिस्टम के जो एंटीजन आपको मिलेंगे, ठीक है, एंटीजन आपको नहीं मिल रहे क्योंकि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। एंटीबॉडीज कौन सी मिल सकती हैं आपको, मिल सकती है आरएच एंटीबॉडीज आपको मिल सकती है। ठीक है, आरएच एंटीबॉडीज जो है वो आपको उसके अंदर मिल सकती है। ठीक है, करें नोट करें अगेन वही तरीका कार, आप बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को नहीं दे सकते लेकिन बी नेगेटिव ब्लड आप बी पॉजिटिव को दे सकते, करें नोट करें। कोई भी जहन में सवाल आएगा मैं चारों ब्लड ग्रुप आपको बता दूं, ठीक है, फिर आप खुल के जो सवाल करना है कर लीजिएगा, मुझे आपको एक रीजन पढ़ाना है इसलिए मैं ये सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, और अगर आपने अभी डिटेल सही से पढ़ ली अगले 10 से 15 साल के लिए आपके लिए काफी होगा कि आपको ये ब्लड ग्रुप अलग रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।
चलें इसके बाद आइए ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ये रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं। इन रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे आपको एंटीजन ए मिलेगा, एंटीजन बी मिलेगा और ये आपको आरएच एंटीजन मिलेगा। एबीओ सिस्टम, आरएच सिस्टम, एबीओ सिस्टम की एंटीजन्स, एबीओ सिस्टम की एंटीबॉडीज, एंटीजन ए मिलेगा, एंटीजन बी मिलेगा। एंटीबॉडीज कौन सी बन जाएंगी? कोई सी भी नहीं, वो एंटीबॉडीज होती नहीं, ठीक है, वो एंटीबॉडीज नहीं होती। आरएच सिस्टम के एंटीजन्स के बारे में बात करूं तो आरएच सिस्टम के एंटीजन्स आपको मिलेंगे, मिलेंगे आरएच एंटीजन। और आरएच सिस्टम की एंटीबॉडीज के बारे में बात करूं तो कोई सी भी नहीं बनेगी। इसी तरह एबी नेगेटिव, ये रेड ब्लड सेल मौजूद है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे आपको एंटीजन ए मिल रहा है, एंटीजन बी मिल रहा है। एबीओ सिस्टम एंटीजन्स एंटीबॉडीज, एंटीजन्स आपके पास ए और बी, एंटीबॉडीज कोई सी भी नहीं। आरएच सिस्टम के एंटीजन्स तो आप रेड ब्लड सेल की सरफेस को और से देख लें, कोई भी नहीं है एंटीजन आरएच सिस्टम का। हाँ, एंटीबॉडीज कौन सी बन जाएंगी? आरएच एंटीबॉडीज इसमें बन जाएंगे, ठीक है, आरएच एंटीबॉडीज जो है वो इसके अंदर बन जाएंगे। और अगर गौर करें कि एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है, ना तो उसके अंदर एबीओ सिस्टम की एंटीबॉडीज बनेगी, ना उसके अंदर आरएच सिस्टम की, ना एबी पॉजिटिव के अंदर आरएच सिस्टम की एंटीबॉडीज बनेगी। यानी एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, जिससे ब्लड लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है, जिससे ब्लड लेना चाहे वो ले सकता है। तो इस हवाले से वो क्या कहलाता है? इस हवाले से वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो जिससे ब्लड लेना चाहे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, जिससे ब्लड लेना चाहे वो ले सकता है। करें, नोट करें इसको, इंग्लिश
ठीक है, इसके बाद आइए ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की बात करने जा रहे हैं। पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये रेड ब्लड सेल है। इस रेड ब्लड सेल की सरफेस पे इम्यून सिस्टम के कोई भी एंटीजन नहीं हो। अब ओ पॉजिटिव है तो आरएच एंटीजन होगा, तो एंटीजन कोई से भी नहीं है। एंटीबॉडीज जो बन जाएंगी वो बनेंगी ए एंड बी एंटीबॉडीज। आरएच सिस्टम के एंटीजन कौन से हैं? आरएच एंटीजन है, एंटीबॉडीज कोई सी भी नहीं बनेगी। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये रेड ब्लड सेल है, ए और बी एंटीजन आपको उसमें नहीं मिलेंगे और ना ही आपको आरएच एंटीजन मिलेगा। एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज जो है तो ए और बी एंटीबॉडीज बन जाएंगी। आरएच एंटीजन्स के बारे में बात करूं तो आरएच एंटीजन्स नहीं है, ठीक है, आरएच एंटीजन्स नहीं है, ये एंटीबॉडीज बन जाएंगी। आप अगर गौर करें कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे ना तो एबीओ का कोई एंटीजन है, ना आरएच सिस्टम का कोई एंटीजन, ना एबीओ सिस्टम का कोई एंटीजन है, ना आरएच सिस्टम का कोई एंटीजन है। तो ये जिस आप इसको जिसको भी दे दें, ठीक है, चाहे आप ए वाले को दे दें, बी वाले को दे दें, एबी वाले को दे दें, पॉजिटिव नेगेटिव जिसको मर्जी आई दे दें, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर इस वजह से कहलाता है। आपने शायद अक्सर ऐलान आप सुने हो कि हाँ ओ ब्लड ग्रुप चाहिए, ओ ब्लड में भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल डोनर। और ए बी पॉजिटिव जो है ये आपके पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो आपके पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप कहलाता है। चलें, कर ले, नोट कर ले। अच्छा, बाद लोग इससे कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि सर फिर तो ए बी पॉजिटिव वाले तो अक्सर बीमार रहते होंगे, एंटीबॉडीज नहीं बन सकती। बेटा यहाँ पे एंटीबॉडीज इनकी बात कर रहे हैं, वो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये दूसरी और कोई एंटीबॉडीज जो बीमारी में प्रोटेक्शन देती है उन एंटीबॉडीज की बात नहीं हो रही है, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज के बारे में बेटा बात हो रही है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज के बारे में बात हो रही है, तो
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो अक्सर बीमार पड़ते हैं इस वजह से, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं। चलिए बना लें आप डायग्राम बना लें, ठीक है। अच्छा ये सब रिवाइज करके आएंगे ताकि मैं रीजन समझा सकूं। मैंने एक रीजन समझाने के लिए आपको इतना बैकग्राउंड बताया है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मुझे आपको रीजन बताना है जिसमें मदर आरएच नेगेटिव होती है, फीटस आरएच पॉजिटिव होता है, तो वो रीजन आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आप सब लोग ये पढ़कर आएंगे जो मैंने आपको बताया है।